तो लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन, नहीं उसमें हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो आज हम लोग स्टार्ट करना है। अच्छा उसमें तुम्हारे जो तुम बुक बनाओगे 12th नंबर चैप्टर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चलोगे तो वहां पे तुम बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुम बनाने का कोशिश करना। सब क्वेश्चन तुम लोग से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन तुमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में दे, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन तुमको कैसे दे, कंडेंस फॉर्मूला में दे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान देखते हो, जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा दिया है बाबू यहाँ पे, CN3 का थ्री CH2CH3 ऐसे दिया है। अच्छा ये कौन से फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो देखो तो तुमको कहीं बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये जो कंपाउंड्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये कंडेंस फॉर्मूला में दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला में, कंडेंस फॉर्मूला में। तो देखो तो ये कंडेंस फॉर्मूला में, बाकी सब भी इसको चेंज करना है, बाकी सभी में इसको चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान तो है। देखो तो बाबू ये CH यहां पे है, CH देखो तो कार्बन यहां पे एक ही एच के साथ है ना, मतलब कार्बन को तीन बॉन्ड और चाहिए। अच्छा तीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मत सोचना बाबू, तुम लोग ये मत सोचना कि CH यहां पे है, CH3 इधर रहता तो ज्यादा आसान होता। ये यहां पे इसकी इस साइड राइट साइड भी रह सकता है, लेफ्ट साइड भी रह सकता है, ये जो ब्रैकेट वाला जो कहानी है। ये चीज तुम लोग समझना है कि हाँ बॉन्ड किसका नहीं कंप्लीट है, तो इस CH का बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। तो चलो अब क्या कहानी है, तो इसमें ये है कि यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं इस CH से, इस CH से क्या लगा हुआ है बाबू, इधर इधर लगा है CH2 और CH3, समझ में आया। अच्छा इधर कितना CH3 लगा, यहाँ पे सिर्फ एच दो, CH मत दो क्योंकि एक बॉन्ड है यहाँ पे, तो सिर्फ इसी पे ये भी तो लगा है ना, तो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन और कितना CH3 लगा हुआ है, तो एक CH3, दो CH3 और तीन CH3। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दूसरा है इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो तो कितना कार्बन है इसमें, एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो कितना लाइन खींचेंगे बाबू, और कार्बन यहां पे चार है तो तीन लाइन, एक दो तीन हो गए। अब तो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यहां पे कितना और लाइन खींचना पड़ेगा हमको, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला कैसे होता है, देखो तो कंडेंस फॉर्मूला तो लिख लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी कार्बन को काउंट करो, कितना कार्बन है बाबू, तो C6 है तो H कितना हो जाएंगे 14, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नहीं इससे सर अगर तुमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दे दिया है, नहीं जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे तुमको दे दिया है, दिया है यहां पे ऐसे दे दिया, नहीं अब बताओ तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सर तो इसको बनाओ जरा सा, इसको करो कोशिश करो, तो इसको बनाओ ये, चलो हो गया हो। अब यहां पे सिंपल सा चीज है, इसको बाकी सब में लिखते हैं, तो यहां पे क्या है, जो कि कार्बन है और एक बॉन्ड बना है, इसका मतलब यहां पे क्या है, तीन एक छुपा हुआ है, तो कह सकता है कि CH3। अच्छा यहां पे जाओगे एक बॉन्ड, उसके बाद क्या होगा सी, इसी पे क्या लगा हुआ है, ऊपर CH3 लगा हुआ है और एक नीचे CH3 लगा हुआ है, फिर यहां पे जाओगे तो क्या होगा, एक CH यहां पे है CH2 और CH3, फिर यहां पे चलो CH2, फिर यहां पे जाओ तो CH, क्योंकि देखो कार्बन यहां पे कितना बॉन्ड बना है, एक दो तीन, तो एक ही एच होगा, उसका डबल बॉन्ड यहां वाला कार्बन में क्या हो जाएगा CH2। ये कौन सा हो जाएगा फॉर्मूला बाबू तुम्हारा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे लोग, तो लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखो एक ही अक्षर से, थोड़ा सा तुम लोग समझदार हो जाओ, इसी कार्बन से ना बाबू तीन CH3 जुड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं सी
इस साइड ब्रैकेट दो या इस साइड बात सेमी है। सी आप ब्रैकेट सी ए सी पे कितना कार्बन लगा हुआ है, तीन। उस पर आ जाए यहाँ पे सी ए दो कार्बन है, सी टू एच फाइव, उसके बाद सी एच टू सी ए डबल बॉन्ड सी एच टू। ये चीज है तो बहुत आसानी से हम क्या इसको कर सकते हैं, नहीं हो जाएगा। चलो अब एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको समझना है। देखो लिख लो इसको, तो ज्यादातर हम लोग बॉन्ड लाइन ही यूज करेंगे, ज्यादातर क्या यूज करेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब एक और बात हम लोग जानते हैं, ध्यान दो, हेरिंग ना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगी। नहीं तो कार्बन जो होता है बाबू, ये मेरी बाबू, चार तरह के कार्बन होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, एक होता है प्राइमरी कार्बन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वन डिग्री कार्बन। देखो ये सब चीजें तुमको आएगा तभी हम लोग अच्छे से नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। नहीं और ये सब एनसीईआरटी में आप किसी भी अपना बुक में देखोगे ये सब मिल जाएगा। नहीं तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, प्राइमरी कार्बन, उसके बाद है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसको बोलते हैं टू डिग्री कार्बन, उसके बाद आता है टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जिसको बोलते हैं थ्री डिग्री कार्बन, उसके बाद क्या होता है क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन जिसको बोलते हैं फोर डिग्री कार्बन। नहीं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और क्या होता है क्वार्टरनरी कार्बन। नहीं तो इस चीज को हम लोग क्या करना है, समझना है कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शियरी कार्बन क्या होता है और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, क्योंकि इसका तुमको जरूरत पड़ेगा आगे जब तुम सीखोगे इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाले है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सा याद है बाबू, इसमें जो कार्बन होते हैं, इन दिस केस कार्बन अटैच टू विथ विथ ओनली वन कार्बन। इसमें जो होता है कार्बन, कितने कार्बन से अटैच होते हैं, एक कार्बन से अटैच होता है। जैसे देखो तो यहां पे डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा होता है डायरेक्ट, नहीं जैसे यहाँ पे सी एच थ्री लिखते हैं, यहाँ पे सी एच थ्री लिख दी। नहीं तो पूछे बाबू इस ये जो कार्बन है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ये कितने कार्बन से अटैच है। तो तुम सोचोगे सर यहाँ पे देखते हो एक से अटैच है, लेकिन ये तो हम अपने फायदे के लिए लिखते हैं। रियल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी एच 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 और इधर भी क्या एक एच और एच। अब बताओ तो अब तुमसे पूछा जाए कि ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ये कार्बन कौन सा कार्बन है बाबू, वन डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, वन डिग्री कार्बन है। अच्छा अब इस कार्बन के पास कितना एच है, कितना हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है। अच्छा तो पूछेंगे इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, इस हाइड्रोजन का डिग्री कितना होगा, वन डिग्री एच होगा। इस हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा, वन डिग्री, मतलब कार्बन के पास जो होगा, कार्बन के पास जो होगा, कार्बन का जो डिग्री होगा वही डिग्री किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। नहीं तो बड़ा आसान है, इसको क्या करेंगे पहचान सकते हैं। उसी तरह से बात करें सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कार्बन कनेक्ट होते हैं, इसमें दो कार्बन से कनेक्ट होता है, कार्बन कनेक्टेड विथ टू कार्बन, टू अनदर कार्बन। टर्शियरी में क्या होता है, थ्री अनदर कार्बन। नहीं क्वार्टरनरी में क्या होता है, फोर अनदर कार्बन। नहीं मतलब सेकेंड डिग्री में कितने से जुड़ा रहता है, दो कार्बन से, टर्शियरी में कितना से, तीन कार्बन से, क्वार्टरनरी में कितने से, तो चार कार्बन से जुड़ा रहता है। नहीं जैसे इसको लिखो, जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं सब क्लियर हो जाएगा, एक ही एग्जाम्पल जैसे समझना भाव, जैसे सी एच थ्री यहां पर है, सी एच टू है, सी एच थ्री है,
ए, उसके बाद यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में सब समझा देते हैं अच्छे से समझ में सी एस सी बी ठीक है। अब देखो तो बाबू यहाँ पे हम लोग समझ में ये हम लोग जान गए हैं कि प्राइमरी कार्बन में क्या होता है सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होता है, सेकेंडरी में क्या होता है दो कार्बन से, टर्शियरी में क्या होता है तीन कार्बन से, और क्वार्टरनरी में क्या होता है चार कार्बन से। कार्बन कितना ज्यादा हो सकता है लेकिन कार्बन के अगल बगल में जिस कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है वही चीज पर डिस्कस कर रहे हैं। चलो जरा से देखते हैं, जिस तुमसे पूछेंगे कि बताओ इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, ये वाला कार्बन का डिग्री, इस कार्बन डिग्री क्या होगा, तो ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक से ऊपर चला जाता है बाबू, हम अपने फायदे के लिए सी एच थ्री लिखते हैं, रियल में कैसे होता है नहीं। तो देखो तो ये कार्बन जो है ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से डायरेक्ट अटैच है ना, एक ही कार्बन से, मतलब अभी मतलब सर इधर तो बहुत सारे कार्बन एक ही कार्बन का होगा, कहने का मतलब क्या है इसका कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है, ये सिर्फ इसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ है, ये इस सबसे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, तो ये सिर्फ किससे जुड़ा है इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री पूछेंगे तो क्या डिग्री हो जाएगा इसका वन डिग्री कार्बन, यानी कि इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। अच्छा और ये प्राइमरी कार्बन है तो बाकी सब को हम लोग जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे या वन डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे जो कार्बन उसको चेक करो, यहाँ पे जो कार्बन उसको चेक करो, तो ये कार्बन एक इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है दो कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं टू डिग्री कार्बन नहीं। अच्छा ये वाला कार्बन को देखो तो बाबू इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है पीछे इस कार्बन से, ऊपर जाओगे तो इस कार्बन से और इधर जाओगे तो इस कार्बन से, मतलब ये तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे थ्री डिग्री कार्बन नहीं। अच्छा ये वाला कार्बन देखो तो ये वाला कार्बन की बात करें तो इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से और इधर क्या इधर इस कार्बन से नहीं, तो इस कार्बन डिग्री क्या हो जाएगा बताओ फोर डिग्री कार्बन। तो उससे यहां पे अच्छा हो गया तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री फोर डिग्री। अच्छा तुमसे पूछा जाएगा बताओ तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो, तो इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर इस कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा टू डिग्री हो जाएगा। अच्छा इस कार्बन डिग्री बताओ इस कार्बन का, तो ये जो कार्बन है सिर्फ इसी से जुड़ा है ना, ये जो कार्बन है सिर्फ इसी से, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा। तो नोट करो जरा से इसको, जैसे क्वेश्चन है तुमको बताना है बाबू इसमें देखो क्या क्वेश्चन ध्यान दो बाबू, देखो यहां पे सी एस थ्री सी एस टू बताना है तुम लोग को कि इसमें वन डिग्री कार्बन कितना है और टू डिग्री कितना है, बताना है इसमें वन डिग्री कार्बन कितना है टू डिग्री कार्बन कितना है थ्री डिग्री और फोर डिग्री, ये सब कितने कार्बन की संख्या बताना है इस क्वेश्चन में वन डिग्री। चलो बनाओ जाते इसको जल्दी, कोशिश करो जल्दी कोशिश करो। देखो तो पहले तो चेक कर लो इसमें, तो ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन में डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा वन डिग्री कार्बन ठीक है। अच्छा ये वाला कार्बन बताओ जरा सा, सभी कार्बन का चेक करो, जितने कार्बन है सबका चेक करो, तो ये इधर जुड़ा हुआ है इधर जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा टू डिग्री कार्बन। अच्छा ये देखो तो ये जो कार्बन है ये जो कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर एक ऊपर एक नीचे, इसका डिग्री कितना आ जाएगा बाबू थ्री डिग्री कार्बन नहीं, इसका डिग्री बता देते कितना आ जाएगा इसका इधर किधर, इसका आ जाएगा टू डिग्री कार्बन, इसका वन डिग्री कार्बन, इसका कितना आ जाएगा वन डिग्री कार्बन, इसका ये बताओ वन डिग्री कार्बन। तो वन डिग्री कार्बन का संख्या कितना है एक दो तीन चार, तो वन डिग्री कार्बन कितना हो जाएंगे फोर हो जाएंगे। टू डिग्री कितना है देखो तो यहां पे एक है, अच्छा ये बाबू कितना डिग्री है देखो तो ये कार्बन इधर है एक इधर फोर डिग्री हो जाएगा। चलो टू डिग्री कितना है दो है, थ्री डिग्री क्या है नहीं है, फोर डिग्री कितना है वन है, तो बन जाएगा ना आराम से। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो,
एक और समझ में, एक और चीज को थोड़ा समझना तुम लोग, फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नहीं एक और तुमको जरूरत पड़ेगा आगे, जैसे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बाबू? सिग्मा, सिग्मा कैसे लिखते हैं? सिग्मा एंड पाई, पाई को ऐसे लिखते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हैं, बस अभी हम लोग पहचानना सीखना है। नहीं तो याद रखो बाबू, दो यहां पे अगर बॉन्ड है, दो एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दो एटम है उसके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? तो बोलेंगे इसके पास क्या है, वन सिग्मा बॉन्ड। क्या है? वन सिग्मा बॉन्ड, यानी इसके पास एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। नहीं अच्छा एक और बात, यहां पे ए डबल बॉन्ड आ जाता है, दो एटम के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो एक तुम्हारा सिग्मा है और दूसरा क्या है तुम्हारे पास? पाई है। इसको क्या याद रखो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा, दूसरा क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो किसी को हम लोग पाई और किसी को क्या कर सकते हैं? सिग्मा मान सकते हैं। इसमें क्या है? वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम लोग पाई तरह लिखते हैं। उसके बाद यहां पे ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, इसमें क्या होगा बताओ? ऊपर वाला पाई बॉन्ड नीचे, अब क्यों ऐसा होता है सब पढ़ोगे तुम लोग, ऊपर नीचे वाला पाई बॉन्ड, बीच वाला क्या होता है? इसमें सिग्मा बॉन्ड, इसमें हम लोग किसी को सिग्मा किसी को पाई नहीं बोल सकते, ऊपर वाला बोलते हैं। तो क्या होता है यहां पे? वन सिग्मा एंड क्या हो जाएगा? टू पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड हो जाएगा। याद रहेगा, बस इस चीज को तुम लोग दिमाग में रखना, कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, मिटा दे। अच्छा अभी क्वेश्चन याद बताओ तुम लोग, क्वेश्चन में क्या बताना है तुम लोगों को ध्यान दोगे, बताना है तुम लोगों को यहां पे इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, बताना है तुम लोग इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितना पाई बॉन्ड होंगे, ऐसे देते हैं, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने तुम्हारे पाई बॉन्ड होंगे, इस चीज को बताना है। चलो चेक करो तो कितना होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो तुम लोग क्या लग रहा है? यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है? पाई बॉन्ड। तो कितना सिग्मा बॉन्ड? टू सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड? वन पाई बॉन्ड। सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है, यहां पे क्या है? कार्बन है, तो क्या कार्बन एक ही बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है बाबू, यहां पे तुमको नहीं दिख रहा है, तो पहले तो ये तुम्हारा, पहले तो इसको तुम स्ट्रक्चर में चेंज कर लो, इसको अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्मूला में चेंज कर लो, ये तुम्हारा क्या है देखो तो CH3, यहां पे आ जाओ CH, आगे बढ़ो क्या होगा? CH2, इसको और अच्छे से चेंज कर रहे तो कर लो, आप टेंशन नहीं लो, अभी तुम्हारे लिए स्टार्टिंग है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, कुछ दिन बाद तुम एकदम समझ में आ जाए कहां पे कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है कौन कितना डिग्री है। नहीं तो वही दिक्कत है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैनेज करो और सीखो इस चीज को। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? एक एच, दो एच, तीन एच, उसके बाद क्या होगा? एक एच डबल बॉन्ड, एक एच और एच, नहीं तो कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? एक दो तीन चार पांच छह पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा बाबू? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा तुम्हारे पास एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। पाई बॉन्ड कितना भाई बताओ? पाई बॉन्ड देखो तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। नहीं अब चलो एक दो क्वेश्चन जरा हम लोग करते हैं और देखो इस क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन
अल्केन हैविंग वन क्वार्टरनरी कार्बन। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन इन अल्केन, कोई एक तुम अल्केन लिखो, कोई एक तुम अल्केन लिखो जिसके पास क्या हो, हैविंग वन क्वार्टरनरी कार्बन, जिसके पास एक क्वार्टरनरी कार्बन है और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन लेना है और तुमको बताना है कि कम से कम कितने कार्बन का रिक्वायर्ड होगा, कितने कार्बन द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्केन हैविंग वन वन क्या क्वार्टरनरी कार्बन। तो लिखो तो जरा कोशिश करो। तो अल्केन है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए तुमको, कोशिश करो और लिखना है। कैसे लिखोगे? क्वार्टरनरी का मतलब क्या है बाबू, कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है बताओ, चार कार्बन जुड़ा रहेगा और तुम लिखने जाओगे देखो दो यहां सी एच थ्री और क्या लिखोगे यहां पे CH3। अच्छा आप क्या इससे कम में लिख सकते हो, क्या इससे कम में लिख सकते हैं बाबू? नहीं ना, ये कंपाउंड है जिसमें एक क्या आ गया तुम्हारा क्वार्टरनरी कार्बन आ गया, यानी कि ये फोर डिग्री कार्बन आ गया। तो कितना कार्बन पड़ा है देखो, तो ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन आंसर मान लो यहाँ पे एक में सिक्स ऑप्शन, बी में कितना है फाइव, सी में है फोर और डी में है थ्री। देखो तो कितना कार्बन है बाबू यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, तो मिनिमम कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेंगे, तो पांच कार्बन की जरूरत पड़ेगा। मिनिमम कितने कार्बन जरूरत पड़ेंगे, पांच कार्बन। नहीं अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो कैसे करते, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखना, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्किन, और कोई अल्किन लिखना है जिसके पास क्या हो, वन क्वार्टरनरी कार्बन, तो मिनिमम नंबर कम से कम कितने कार्बन लेना है, कम से कम कार्बन लेना है, और तुम एक कंपाउंड लिखो जिसमें एक क्वार्टरनरी कार्बन आ जाए तो कम से कम कितना कार्बन तुमको लेना पड़ेगा, वही चीज तुमको बताना है। अब तुम सोच रहा होगा कैसे तुम लोग बनाया होगा, देखो कैसे, अब यहां पे एक कार्बन है तो क्वार्टरनरी बनाना है तो फिर तो चार कार्बन ऐसे दे देते हैं, क्या दिक्कत है, दे दिए नहीं। अच्छा अब हमको क्या लिखना है बाबू यहां पे अल्केन नहीं लेना है, अल्किन लेना है, क्या लेना है, अल्किन। अल्किन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तो यहां पर डबल बॉन्ड दे दें। जैसे यहां पे हम डबल बॉन्ड देंगे बताओ, तो अब इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड हो गया ना, तो गड़बड़ बात हो गया ना, समझ रहे हो ना, पांच बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक और कार्बन लेना पड़ेगा क्योंकि अल्किन ही लिखना है, कम से कम कितना कार्बन लेना पड़ेगा बाबू, एक और कार्बन। अब एच को भरो, सी एच थ्री एच, सी एच क्या हो, तो जैसा ध्यान दो बाबू यहां पे अच्छे से समझो, तो कितना कार्बन जरूरत पड़ा, एक दो तीन चार पांच छह, टेंशन क्या हो जाए बाबू, कितना कार्बन का जरूरत पड़ेगा, मिनिमम सिक्स कार्बन है ना। अच्छा और अल्काइन होता तो सोचो, तो तीसरा क्वेश्चन लिख लो, अल्काइन होता तो क्या करते, अगर अल्काइन लेते तो क्या करते, बस वही करते कुछ नहीं, अल्काइन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक चांस गायब करो, एक चांस गायब करो, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड सी, तो भी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी जरूरत पड़ेगा तुमको, सिक्स कार्बन जरूरत पड़ेगा। तो ये सब बहुत आसान चीज बिठा दे। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन में तुम लोग को लो क्या क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताना है, प्राइमरी कार्बन सेकेंड डोज बताना है, सी एच थ्री,
नहीं, ये क्वेश्चन है तुमको बाबू ध्यान दो ऐसे नहीं, इसमें तुमको बताना क्या क्या है, इसमें तुमको बताना है वन डिग्री कार्बन कितने हैं, वन डिग्री कार्बन, टू डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन, फोर डिग्री कार्बन, उसको बताना है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और क्या होंगे पाई बॉन्ड कितने होंगे। और बनाना जैसा बुक बार बार बोल रहे एनसीईआरटी को पढ़ो बनाओ तो हमें पता चलेगा तुमको देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो इसको जैसा पढ़ो तो क्वेश्चन को वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री, फोर डिग्री, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड बताना है तुमको। हो गया तो जैसा ध्यान में बाबू, अब यहां पे वन डिग्री, टू, थ्री, फोर डिग्री है, सबसे पहले डिग्री चेक कर लेते हैं तो समझना है अच्छे से। देखो तो यहां पे ये सब कार्बन है, ये सबके सब क्या है तुम्हारा कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, सबके सब क्या है कार्बन है। अब ये सब समझ में आना चाहिए तुम लोग, इसलिए तो क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो तो वन डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पे, ये भी तुम्हारा वन डिग्री, ये वन डिग्री कार्बन, ये भी वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन, यहां पे भी आओ बाबू वन डिग्री कार्बन, वन डिग्री कार्बन, तो वन डिग्री कार्बन संख्या कितना हो गया, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो वन डिग्री कार्बन संख्या कितना हो गया फाइव कार्बन है। बात करते हैं टू डिग्री कार्बन का, देखो तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री है बाबू, तो कह सकते हैं इसको हम लोग कितना डिग्री है, ये सिर्फ इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर से, तो टू डिग्री कार्बन। अच्छा ये भी कार्बन कितना डिग्री है, टू डिग्री कार्बन, एक इधर एक इधर, इसे बताओ तो यहां पे इधर एक इधर कितना डिग्री हो जाएगा, थ्री डिग्री कार्बन, इधर कार्बन देखो तो इधर और एक इधर, इसका भी कितना हो जाएगा टू डिग्री कार्बन, और कोई है नहीं, तो टू डिग्री कार्बन से कितना हो गया एक, अरे यार ये थ्री डिग्री थोड़ी है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो टू डिग्री कार्बन, तो एक, दो, तीन, चार, कितना आ गया चार टू डिग्री कार्बन। अच्छा थ्री डिग्री कार्बन की अगर बात करें तो कितना और थ्री डिग्री कार्बन, देखो तो यहां पे ये है थ्री डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन ये है, इसको बताओ यहां पे है थ्री डिग्री कार्बन और तो कोई है नहीं, तो दो हो जाएगा। फोर डिग्री कार्बन कितना है, अच्छा एक और थ्री डिग्री यहां पे है ना बाबू, ये भी तो तीन डिग्री है ना, थ्री डिग्री कार्बन यहां पे, चलो फोर डिग्री देखो तो यहां पे है कितना है बाबू, ये फोर डिग्री कार्बन है, कितना संख्या हो गया एक हो गया, तो वन डिग्री कार्बन कितना है इसमें फाइव है, टू डिग्री फोर है, तो ये कर लेंगे हम लोग, इसको जरा से नोट करो, इसको सिग्मा पाई बॉन्ड पे चलते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जरा से देखो तो कितना है, चलो सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो यहां पर वो तीन, अब समझना अच्छे से, तो यहां पे कितना एच है देखो तो तीन एच है, कार्बन दो बॉन्ड बनाया है तो दो एच है, यहां कार्बन चार बॉन्ड बना लिया, ये तीन बॉन्ड बनाया है तो एक एच है, यहां पे कितना एच है तीन एच है, ये भी कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो कितना एच है तीन एच, अच्छा ये भी इधर कितना एक एच, दो एच, तीन एच, ये बाबू अब इसका बॉन्ड कंप्लीट है, देखो तो एक दो तीन चार बॉन्ड, इसे बोलो तो एक दो तीन एक एच, यहां पे एक दो तीन, जितना बॉन्ड कम होता है उतना क्या होता है वहां पे हाइड्रोजन होता है और कहीं है नहीं, नहीं। चलो चेक करो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं पहले कितना हो गया, तो यहां पे वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नहीं, उसके बाद क्या हो गया तो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, उसके बाद क्या हुआ थर्टी, उसके बाद क्या हो जाएगा थर्टी और थर्टी वन, यानी कितना हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड थर्टी वन। पाई बॉन्ड तो आसान है, पाई बॉन्ड कितना बाबू, यहाँ पे पाई बॉन्ड है एक, पाई बॉन्ड यहाँ पे है एक, पाई बॉन्ड यहाँ पे है और एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड से कितना हो जाएगा चार। तो तुम लोग इसको अपने मन से जरा सा क्या करना, इसको बनाना इस क्वेश्चन को अपने मन से, ऐसे कुछ लिख लेना, ऐसे ऐसे कुछ लिख लेना अपने मन से, चेक कर रहे इसे, जैसे यहाँ पे इससे पूछा है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री कार्बन कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, नहीं ये सब समझ में आना चाहिए, ये तुम क्वेश्चन ऐसे देते हैं मिटा दे इसको।
देखो जैसे तुमको यहां पे ऐसे दे दिया, अब ऐसे दे देता है, अब बताओ कि इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, क्या लगता है तुम लोगों को इसमें यहां पे कार्बन होगा एक कार्बन यहां पे होगा नहीं, मतलब ये क्या है बाबू, अब यहां पे कार्बन दो बॉन्ड बनाया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएंगे, दो एच का इधर, दो एच का इधर, चार और एक, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हो जाएंगे बाबू, पांच हो जाएंगे। अब पाई बॉन्ड कितना हो जाएंगे, इसमें पाई बॉन्ड एक हो जाएंगे। तो सब के सब तुम लोगों को क्या करना है, अच्छे से करना है, और ये सब नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो बाकी सब तुम लोग क्या है, अब हम लोग स्टार्ट करना है नॉमेनक्लेचर्स नहीं, तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और नॉमेनक्लेचर्स में हम लोग पढ़ने के लिए इस नॉमेनक्लेचर्स को हम लोग पढ़ने के लिए इतना हम लोग मेहनत करना पड़ रहा है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो इतना अच्छे से कर लेना, जो भी चीज तुम्हें बताया अच्छे से कर लेना, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेना, या तुम्हारे पास जो भी बुक है ऑर्गेनिक पलटना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी तुम बुक लोगे उसमें सबसे पहले तुमको वही मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिग्री ऑफ कार्बन, और तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उसको तुम लोग क्या कर लेना, ठीक है।